मेलघाट वन विभाग इन दिनों वन्य जीव सप्ताह मना रहा है। विगत 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक इस सप्ताह का आयोजन किया गया है। मेलघाट विशेषकर टाइगर प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है, तो अनेक किस्म के वन्य जीव, पेड़ पौधे वहां उपलब्ध है। मात्र टूरिस्टों के लिए उपलब्ध हाथी की सवारी को 15 दिनों का विराम दिया गया है। मेलघाट वन विभाग के DFO ने विदर्भ न्यूज को दिए साक्षात्कार में जानकारी दी। समाचार संकलन अशोक भाई जोशी। अमरावती जिले के मेलघाट विभाग के DFO इनसे वन्य प्राणी सप्ताह जो चालू है इस विषय में बात करते हैं। आइए मिलते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम मनोज खैरनार, मैं विभागीय वन अधिकारी वन्य जीव मेलघाट से। मेलघाट के बारे में लोगों को काफी उत्सुकता रहती है, वहाँ क्या क्या प्राणी है, कैसा है और क्या सप्ताह मना रहे हैं, आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मेलघाट को हम मैजिकल मेलघाट बताते हैं क्योंकि ये सातपुड़ा पर्वत का एक पुड़ा बोलते हैं उसे मराठी में, एक भाग है। और इस मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प की स्थापना जो है वो 1973 में हुई थी और घोषणा जो है 1974 में हुई थी। ये जो है वो भारत में पहले जो 9 टाइगर रिजर्व है, प्रोजेक्ट टाइगर्स हैं, उसमें से 9 में से एक पुराना टाइगर रिजर्व हम बता सकते हैं कि भारत के पहले 9 टाइगर रिजर्व में से एक है। और यहाँ पे जो है वो टाइगर के लिए तो प्रसिद्ध है ही, इसके अलावा बहुत सारे वन्य प्राणी यहाँ पे हैं। बिबट है, फिर अस्वल है और भी हर्बीवर्स बोलते हैं हम, वो भी प्राणी यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पे जो नदियाँ हैं, जो नदियों के लिए और घाटों के लिए ये बहुत ही फेमस है, इसके लिए दूर दूर से लोग मेलघाट में देखने के लिए आते हैं। जंगलों की अपनी एक शान होती है और उसका एक कानून होता है, किस तरीके से रहा जाए वहाँ, थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी दीजिए। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प जो है वो मैंने बताया कि एक टाइगर रिजर्व है और टाइगर रिजर्व के लिए उसमें अभी मैंने ये बताना एक भूल गया कि इसमें एक नेशनल पार्क और 10 सेंचुरी है। तो उसमें जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ये इसमें लागू होते हैं। इसमें जो भी कुछ तरतूद है, जो भी कुछ कलम है, उसके हिसाब से ये सभी तरतूदें इस टाइगर रिजर्व में लागू होती है। जैसे इसमें प्रवेश करना है तो उसके लिए भी आपको परवानगी लेना पड़ता है, और जो भी कुछ एक्टिविटी होते हैं जैसे ग्रेजिंग है तो ग्रेजिंग के लिए भी उनको एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है, उसको हम CFR बोलते हैं। तो उस एरिया में उनको ग्रेजिंग का अलाउड होता है और उस पर्टिकुलर गांव के लिए CFR जो है मंजूर होते हैं। तो इस हिसाब से जो जंगल में एंट्री करना, जंगल में कुछ भी गतिविधियां जो करना है लोगों को, तो उसको जो लोकल ऑफिसर है उनको बता के ही करना पड़ता है। और जो अवैध वृक्ष तोड़ है या पोचिंग है या फायर लगाना है, उस पर
कड़क से सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो फॉरेस्ट ऑफिसर कर सकते हैं। आदरणीय खैरनार जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि बाहर से जो प्रवासी आते हैं देखने के लिए, टूरिस्ट आते हैं मेलघाट, इनके लिए क्या व्यवस्था है आपके पास? अभी मेलघाट में करीबन 8 जो है वो ब्रिटिशकालीन रेस्ट हाउसेस है, ये एक विशेषता है। इसके अलावा उनको जो रहने की तो व्यवस्था है ही, इनके अलावा जो सफारी के लिए भी बहुत सारे गेट्स है, उसमें हम शाहनूर है, सीमाडो है, चिखलदरा है, और वहाँ पे वो जिप्सी का आनंद भी ले सकते हैं, उसमें जंगल में सफारी कर सकते हैं और जंगल में रह भी सकते हैं, और उनके लिए भोजन की व्यवस्था जो है कैंटीन है वहाँ पे, हमजरी करके एक लोकेशन है वहाँ पे उनको रहने का भी व्यवस्था है, और वहाँ पे एडवेंचर गेम्स भी है, तो उसका भी आनंद वो वहाँ पे उठा सकते हैं। एक छोटा सा आवाहन चाहूँगा मैं आपसे कि पब्लिक से आप क्या कहना चाहेंगे? अभी वाइल्ड लाइफ वीक है, वाइल्ड लाइफ वीक जो है हम 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, इस कालावधि में सभी भारतवर्ष में मनाया जाता है, तो इस साल भी हम ये वन्यजीव सप्ताह कर रहे हैं। तो वन्यजीव सप्ताह का मेन उद्देश्य यह है कि लोगों में वाइल्ड लाइफ के बारे में, लोगों में जंगल के बारे में, उनको एक कैसे उनका रक्षण करना है, संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, ये बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि हम अभी देखते हैं कि कभी भी बाढ़ आ रही है, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी ये जो मौसम के हालात जो बदल रहे हैं, ये जो हम इकोसिस्टम ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि जो असंतुलन हो रहा है, ये जंगल के विनाश के कारण हो रहा है। तो जंगल का विनाश रोकने के लिए हमें सहायता कीजिए, और जो वन्य जीव है उनका भी संरक्षण करने के लिए हमें सहायता कीजिए, यही मैं सबसे आह्वान करता हूँ। धन्यवाद।